हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वॉर 2 आने वाली है ऋतिक रोशन की, इसके बारे में जानकारी दूंगी इस वीडियो में। ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 इन दिनों सुर्खियों में है। यह फिल्म इसलिए ज्यादा खास है क्योंकि वॉर 2 के जरिए दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता जूनियर NTR बॉलीवुड में अपना शुरुआत करने जा रहे हैं। इस दौरान ऋतिक और NTR पहली बार बड़े पर्दे पर स्क्रीन साझा करते हुए नजर आने वाले हैं। इस बार फिल्म के निर्देशक की कमान आर्यन मुखर्जी को सौंपा गया है। वही अब वॉर 2 की रिलीज की तारीख से जुड़ी अहम जानकारी भी सामने आ गई है। अभी तक मेकर्स ने वॉर 2 का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऋतिक रोशन और जूनियर NTR ने इस फिल्म को लेकर बड़ा इशारा दे चुके हैं। दोनों सितारों ने बीते दिन ट्विटर पर वॉर 2 के साथ काम करने का इशारा दिया था। इसके बाद इंडस्ट्री में तहलका मच गया था। जूनियर NTR के जन्मदिन पर उन्हें विश करते हुए ऋतिक रोशन ने कहा कि वॉर 2 की भूमिका तुम्हारा इंतजार कर रही है, जिस पर जूनियर NTR ने रिएक्शन करते हुए सेट को जल्दी ज्वाइन करने की बात कही है। यह सुनने के बाद दोनों के फैन काफी खुश नजर आ रहे हैं। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार वॉर 2 24 जनवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज हो सकती है। बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग इसी साल नवंबर में शुरू होगी। वहीं वॉर 2 में NTR को पहले कभी नहीं देखे गए अवतार में देखा जाएगा। यह एक बड़ी एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी। चर्चा तो यह भी है कि फिल्म में ऋतिक और NTR के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलने वाली है। बता दें कि दोनों सितारे पहली बार किसी फिल्म में एक साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को निर्देशक आर्यन मुखर्जी करने वाले हैं। वॉर निर्देशक सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म को रीड नहीं करेंगे। वही इन दिनों अपनी फिल्म फाइटर को ऋतिक रोशन पूरा कर चुके हैं। इसके साथ वह शाहरुख खान और सलमान खान की पठान वर्सेस टाइगर को पूरा करेंगे। वर्कफेयर की बात करें तो ऋतिक रोशन वॉर 2 के अलावा फाइटर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण नजर आएंगी। गौरतलब यह है कि वॉर 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ टाइगर श्रॉफ नजर आए थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वॉर 2 आने वाली है ऋतिक रोशन की, इसके बारे में जानकारी दूंगी इस वीडियो में। ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 इन दिनों सुर्खियों में है। यह फिल्म इसलिए ज्यादा खास है क्योंकि वॉर 2 के जरिए दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता जूनियर NTR बॉलीवुड में अपना शुरुआत करने जा रहे हैं। इस दौरान ऋतिक और NTR पहली बार बड़े पर्दे पर स्क्रीन साझा करते हुए नजर आने वाले हैं। इस बार फिल्म के निर्देशक की कमान आर्यन मुखर्जी को सौंपा गया है। वही अब वॉर 2 की रिलीज की तारीख से जुड़ी अहम जानकारी भी सामने आ गई है। अभी तक मेकर्स ने वॉर 2 का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऋतिक रोशन और जूनियर NTR ने इस फिल्म को लेकर बड़ा इशारा दे चुके हैं। दोनों सितारों ने बीते दिन ट्विटर पर वॉर 2 के साथ काम करने का इशारा दिया था। इसके बाद इंडस्ट्री में तहलका मच गया था। जूनियर NTR के जन्मदिन पर उन्हें विश करते हुए ऋतिक रोशन ने कहा कि वॉर 2 की भूमिका तुम्हारा इंतजार कर रही है, जिस पर जूनियर NTR ने रिएक्शन करते हुए सेट को जल्दी ज्वाइन करने की बात कही है। यह सुनने के बाद दोनों के फैन काफी खुश नजर आ रहे हैं। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार वॉर 2 24 जनवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज हो सकती है। बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग इसी साल नवंबर में शुरू होगी।
वही वार 2 में एनटीआर को पहले कभी नहीं देखे गए अवतार में देखा जाएगा। यह एक बड़ी एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी। चर्चा तो यह भी है कि फिल्म में ऋतिक और एनटीआर के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलने वाली है। बता दें कि दोनों सितारे पहली बार किसी फिल्म में एक साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को निर्देशक आर्यन मुखर्जी करने वाले हैं। वार निर्देशक सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म को रीड नहीं करेंगे। वही इन दिनों अपनी फिल्म फाइटर को ऋतिक रोशन पूरा कर चुके हैं। इसके साथ वह शाहरुख खान और सलमान खान की पठान वर्सेस टाइगर को पूरा करेंगे। वर्कफेयर की बात करें तो ऋतिक रोशन वॉर 2 के अलावा फाइटर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण नजर आएंगी। गौरतलब यह है कि वॉर 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ टाइगर श्रॉफ नजर आए थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वॉर 2 आने वाली है ऋतिक रोशन की, इसके बारे में जानकारी दूंगी इस वीडियो में। ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 इन दिनों सुर्खियों में है। यह फिल्म इसलिए ज्यादा खास है क्योंकि वॉर 2 के जरिए दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता जूनियर एनटीआर बॉलीवुड में अपना शुरुआत करने जा रहे हैं। इस दौरान ऋतिक और एनटीआर पहली बार बड़े पर्दे पर स्क्रीन साझा करते हुए नजर आने वाले हैं। इस बार फिल्म के निर्देशक की कमान आर्यन मुखर्जी को सौंपा गया है। वही अब वॉर 2 की रिलीज की तारीख से जुड़ी अहम जानकारी भी सामने आ गई है। अभी तक मेकर्स ने वॉर 2 का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर ने इस फिल्म को लेकर बड़ा इशारा दे चुके हैं। दोनों सितारों ने बीते दिन ट्विटर पर वॉर 2 के साथ काम करने का इशारा दिया था। इसके बाद इंडस्ट्री में तहलका मच गया था। जूनियर एनटीआर के जन्मदिन पर उन्हें विश करते हुए ऋतिक रोशन ने कहा कि वॉर 2 की भूमिका तुम्हारा इंतजार कर रही है, जिस पर जूनियर एनटीआर ने रिएक्शन करते हुए सेट को जल्दी ज्वाइन करने की बात कही है। यह सुनने के बाद दोनों के फैन काफी खुश नजर आ रहे हैं। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार वॉर 2 24 जनवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज हो सकती है। बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग इसी साल नवंबर में शुरू होगी। वही वॉर 2 में एनटीआर को पहले कभी नहीं देखे गए अवतार में देखा जाएगा। यह एक बड़ी एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी। चर्चा तो यह भी है कि फिल्म में ऋतिक और एनटीआर के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलने वाली है। बता दें कि दोनों सितारे पहली बार किसी फिल्म में एक साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को निर्देशक आर्यन मुखर्जी करने वाले हैं। वार निर्देशक सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म को रीड नहीं करेंगे। वही इन दिनों अपनी फिल्म फाइटर को ऋतिक रोशन पूरा कर चुके हैं। इसके साथ वह शाहरुख खान और सलमान खान की पठान वर्सेस टाइगर को पूरा करेंगे। वर्कफेयर की बात करें तो ऋतिक रोशन वॉर 2 के अलावा फाइटर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण नजर आएंगी। गौरतलब यह है कि वॉर 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ टाइगर श्रॉफ नजर आए थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वॉर 2 आने वाली है ऋतिक रोशन की, इसके बारे में जानकारी दूंगी इस वीडियो में। ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 इन दिनों सुर्खियों में है। यह फिल्म इसलिए ज्यादा खास है क्योंकि वॉर 2 के जरिए दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता जूनियर एनटीआर बॉलीवुड में अपना शुरुआत करने जा रहे हैं। इस दौरान ऋतिक और एनटीआर पहली बार बड़े पर्दे पर स्क्रीन साझा करते हुए नजर आने वाले हैं। इस बार फिल्म के निर्देशक की कमान आर्यन मुखर्जी को सौंपा गया है। वही अब वॉर 2 की रिलीज की तारीख से जुड़ी अहम जानकारी भी सामने आ गई है। अभी तक मेकर्स ने वॉर 2 का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर ने इस फिल्म को लेकर बड़ा इशारा दे चुके हैं।
दोनों सितारों ने बीते दिन ट्विटर पर वॉर 2 के साथ काम करने का इशारा दिया था। इसके बाद इंडस्ट्री में तहलका मच गया था। जूनियर एनटीआर के जन्मदिन पर उन्हें विश करते हुए ऋतिक रोशन ने कहा कि वॉर 2 की भूमिका तुम्हारा इंतजार कर रही है, जिस पर जूनियर एनटीआर ने रिएक्शन करते हुए सेट को जल्दी ज्वाइन करने की बात कही है। यह सुनने के बाद दोनों के फैन काफी खुश नजर आ रहे हैं। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार वॉर 2 24 जनवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज हो सकती है। बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग इसी साल नवंबर में शुरू होगी। वही वॉर 2 में एनटीआर को पहले कभी नहीं देखे गए अवतार में देखा जाएगा। यह एक बड़ी एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी। चर्चा तो यह भी है कि फिल्म में ऋतिक और एनटीआर के बीच जबरदस्त भिड़न देखने को मिलने वाली है। बता दें कि दोनों सितारे पहली बार किसी फिल्म में एक साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को निर्देशक आर्यन मुखर्जी करने वाले हैं। वार्ड निर्देशक सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म को रीड नहीं करेंगे। वही इन दिनों अपनी फिल्म फाइटर को ऋतिक रोशन पूरा कर चुके हैं। इसके साथ वह शाहरुख खान और सलमान खान की पठान वर्सेस टाइगर को पूरा करेंगे। वर्कफेयर की बात करें तो ऋतिक रोशन वॉर 2 के अलावा फाइटर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण नजर आएंगी। गौरतलब यह है कि वॉर 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ टाइगर श्रॉफ नजर आए थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वॉर 2 आने वाली है ऋतिक रोशन की, इसके बारे में जानकारी दूंगी इस वीडियो में। ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 इन दिनों सुर्खियों में है। यह फिल्म इसलिए ज्यादा खास है क्योंकि वॉर 2 के जरिए दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता जूनियर एनटीआर बॉलीवुड में अपना शुरुआत करने जा रहे हैं। इस दौरान ऋतिक और एनटीआर पहली बार बड़े पर्दे पर स्क्रीन साझा करते हुए नजर आने वाले हैं। इस बार फिल्म के निर्देशक की कमान आर्यन मुखर्जी को सौंपा गया है। वही अब वॉर 2 की रिलीज की तारीख से जुड़ी अहम जानकारी भी सामने आ गई है। अभी तक मेकर्स ने वॉर 2 का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर ने इस फिल्म को लेकर बड़ा इशारा दे चुके हैं। दोनों सितारों ने बीते दिन ट्विटर पर वॉर 2 के साथ काम करने का इशारा दिया था। इसके बाद इंडस्ट्री में तहलका मच गया था। जूनियर एनटीआर के जन्मदिन पर उन्हें विश करते हुए ऋतिक रोशन ने कहा कि वॉर 2 की भूमिका तुम्हारा इंतजार कर रही है, जिस पर जूनियर एनटीआर ने रिएक्शन करते हुए सेट को जल्दी ज्वाइन करने की बात कही है। यह सुनने के बाद दोनों के फैन काफी खुश नजर आ रहे हैं। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार वॉर 2 24 जनवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज हो सकती है। बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग इसी साल नवंबर में शुरू होगी। वही वॉर 2 में एनटीआर को पहले कभी नहीं देखे गए अवतार में देखा जाएगा। यह एक बड़ी एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी। चर्चा तो यह भी है कि फिल्म में ऋतिक और एनटीआर के बीच जबरदस्त भिड़न देखने को मिलने वाली है। बता दें कि दोनों सितारे पहली बार किसी फिल्म में एक साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को निर्देशक आर्यन मुखर्जी करने वाले हैं। वार्ड निर्देशक सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म को रीड नहीं करेंगे। वही इन दिनों अपनी फिल्म फाइटर को ऋतिक रोशन पूरा कर चुके हैं। इसके साथ वह शाहरुख खान और सलमान खान की पठान वर्सेस टाइगर को पूरा करेंगे। वर्कफेयर की बात करें तो ऋतिक रोशन वॉर 2 के अलावा फाइटर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण नजर आएंगी। गौरतलब यह है कि वॉर 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ टाइगर श्रॉफ नजर आए थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वॉर 2 आने वाली है ऋतिक रोशन की, इसके बारे में जानकारी दूंगी इस वीडियो में।
ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 इन दिनों सुर्खियों में है। यह फिल्म इसलिए ज्यादा खास है क्योंकि वॉर 2 के जरिए दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता जूनियर एनटीआर बॉलीवुड में अपना शुरुआत करने जा रहे हैं। इस दौरान ऋतिक और एनटीआर पहली बार बड़े पर्दे पर स्क्रीन साझा करते हुए नजर आने वाले हैं। इस बार फिल्म के निर्देशक की कमान आर्यन मुखर्जी को सौंपा गया है। वही अब वॉर 2 की रिलीज की तारीख से जुड़ी अहम जानकारी भी सामने आ गई है। अभी तक मेकर्स ने वॉर 2 का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर ने इस फिल्म को लेकर बड़ा इशारा दे चुके हैं। दोनों सितारों ने बीते दिन ट्विटर पर वॉर 2 के साथ काम करने का इशारा दिया था। इसके बाद इंडस्ट्री में तहलका मच गया था। जूनियर एनटीआर के जन्मदिन पर उन्हें विश करते हुए ऋतिक रोशन ने कहा कि वॉर 2 की भूमिका तुम्हारा इंतजार कर रही है, जिस पर जूनियर एनटीआर ने रिएक्शन करते हुए सेट को जल्दी ज्वाइन करने की बात कही है। यह सुनने के बाद दोनों के फैन काफी खुश नजर आ रहे हैं। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार वॉर 2 24 जनवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज हो सकती है। बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग इसी साल नवंबर में शुरू होगी। वहीं वॉर 2 में एनटीआर को पहले कभी नहीं देखे गए अवतार में देखा जाएगा। यह एक बड़ी एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी। चर्चा तो यह भी है कि फिल्म में ऋतिक और एनटीआर के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलने वाली है। बता दें कि दोनों सितारे पहली बार किसी फिल्म में एक साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को निर्देशक आर्यन मुखर्जी करने वाले हैं। वॉर निर्देशक सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म को रीड नहीं करेंगे। वही इन दिनों अपनी फिल्म फाइटर को ऋतिक रोशन पूरा कर चुके हैं। इसके साथ वह शाहरुख खान और सलमान खान की पठान वर्सेस टाइगर को पूरा करेंगे। वर्कफेयर की बात करें तो ऋतिक रोशन वॉर 2 के अलावा फाइटर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण नजर आएंगी। गौरतलब यह है कि वॉर 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ टाइगर श्रॉफ नजर आए थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वॉर 2 आने वाली है ऋतिक रोशन की, इसके बारे में जानकारी दूंगी इस वीडियो में। ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 इन दिनों सुर्खियों में है। यह फिल्म इसलिए ज्यादा खास है क्योंकि वॉर 2 के जरिए दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता जूनियर एनटीआर बॉलीवुड में अपना शुरुआत करने जा रहे हैं। इस दौरान ऋतिक और एनटीआर पहली बार बड़े पर्दे पर स्क्रीन साझा करते हुए नजर आने वाले हैं। इस बार फिल्म के निर्देशक की कमान आर्यन मुखर्जी को सौंपा गया है। वही अब वॉर 2 की रिलीज की तारीख से जुड़ी अहम जानकारी भी सामने आ गई है। अभी तक मेकर्स ने वॉर 2 का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर ने इस फिल्म को लेकर बड़ा इशारा दे चुके हैं। दोनों सितारों ने बीते दिन ट्विटर पर वॉर 2 के साथ काम करने का इशारा दिया था। इसके बाद इंडस्ट्री में तहलका मच गया था। जूनियर एनटीआर के जन्मदिन पर उन्हें विश करते हुए ऋतिक रोशन ने कहा कि वॉर 2 की भूमिका तुम्हारा इंतजार कर रही है, जिस पर जूनियर एनटीआर ने रिएक्शन करते हुए सेट को जल्दी ज्वाइन करने की बात कही है। यह सुनने के बाद दोनों के फैन काफी खुश नजर आ रहे हैं। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार वॉर 2 24 जनवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज हो सकती है। बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग इसी साल नवंबर में शुरू होगी। वहीं वॉर 2 में एनटीआर को पहले कभी नहीं देखे गए अवतार में देखा जाएगा। यह एक बड़ी एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी। चर्चा तो यह भी है कि फिल्म में ऋतिक और एनटीआर के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलने वाली है। बता दें कि दोनों सितारे पहली बार किसी फिल्म में एक साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को निर्देशक आर्यन मुखर्जी करने वाले हैं। वॉर निर्देशक सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म को रीड नहीं करेंगे।
वही इन दिनों अपनी फिल्म फाइटर को ऋतिक रोशन पूरा कर चुके हैं। इसके साथ वह शाहरुख खान और सलमान खान की पठान वर्सेस टाइगर को पूरा करेंगे। वर्कफेयर की बात करें तो ऋतिक रोशन वॉर 2 के अलावा फाइटर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण नजर आएंगी। गौरतलब यह है कि वॉर 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ टाइगर श्रॉफ नजर आए थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वॉर 2 आने वाली है ऋतिक रोशन की, इसके बारे में जानकारी दूंगी इस वीडियो में। ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 इन दिनों सुर्खियों में है। यह फिल्म इसलिए ज्यादा खास है क्योंकि वॉर 2 के जरिए दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता जूनियर NTR बॉलीवुड में अपना शुरुआत करने जा रहे हैं। इस दौरान ऋतिक और NTR पहली बार बड़े पर्दे पर स्क्रीन साझा करते हुए नजर आने वाले हैं। इस बार फिल्म के निर्देशक की कमान आर्यन मुखर्जी को सौंपा गया है। वही अब वॉर 2 की रिलीज की तारीख से जुड़ी अहम जानकारी भी सामने आ गई है। अभी तक मेकर्स ने वॉर 2 का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऋतिक रोशन और जूनियर NTR ने इस फिल्म को लेकर बड़ा इशारा दे चुके हैं। दोनों सितारों ने बीते दिन ट्विटर पर वॉर 2 के साथ काम करने का इशारा दिया था। इसके बाद इंडस्ट्री में तहलका मच गया था। जूनियर NTR के जन्मदिन पर उन्हें विश करते हुए ऋतिक रोशन ने कहा कि वॉर 2 की भूमिका तुम्हारा इंतजार कर रही है, जिस पर जूनियर NTR ने रिएक्शन करते हुए सेट को जल्दी ज्वाइन करने की बात कही है। यह सुनने के बाद दोनों के फैन काफी खुश नजर आ रहे हैं। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार वॉर 2 24 जनवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज हो सकती है। बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग इसी साल नवंबर में शुरू होगी। वही वॉर 2 में NTR को पहले कभी नहीं देखे गए अवतार में देखा जाएगा। यह एक बड़ी एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी। चर्चा तो यह भी है कि फिल्म में ऋतिक और NTR के बीच जबरदस्त भिड़न देखने को मिलने वाली है। बता दें कि दोनों सितारे पहली बार किसी फिल्म में एक साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को निर्देशक आर्यन मुखर्जी करने वाले हैं। वार्ड निर्देशक सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म को रीड नहीं करेंगे। वही इन दिनों अपनी फिल्म फाइटर को ऋतिक रोशन पूरा कर चुके हैं। इसके साथ वह शाहरुख खान और सलमान खान की पठान वर्सेस टाइगर को पूरा करेंगे। वर्कफेयर की बात करें तो ऋतिक रोशन वॉर 2 के अलावा फाइटर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण नजर आएंगी। गौरतलब यह है कि वॉर 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ टाइगर श्रॉफ नजर आए थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वॉर 2 आने वाली है ऋतिक रोशन की, इसके बारे में जानकारी दूंगी इस वीडियो में। ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 इन दिनों सुर्खियों में है। यह फिल्म इसलिए ज्यादा खास है क्योंकि वॉर 2 के जरिए दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता जूनियर NTR बॉलीवुड में अपना शुरुआत करने जा रहे हैं। इस दौरान ऋतिक और NTR पहली बार बड़े पर्दे पर स्क्रीन साझा करते हुए नजर आने वाले हैं। इस बार फिल्म के निर्देशक की कमान आर्यन मुखर्जी को सौंपा गया है। वही अब वॉर 2 की रिलीज की तारीख से जुड़ी अहम जानकारी भी सामने आ गई है। अभी तक मेकर्स ने वॉर 2 का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऋतिक रोशन और जूनियर NTR ने इस फिल्म को लेकर बड़ा इशारा दे चुके हैं। दोनों सितारों ने बीते दिन ट्विटर पर वॉर 2 के साथ काम करने का इशारा दिया था। इसके बाद इंडस्ट्री में तहलका मच गया था। जूनियर NTR के जन्मदिन पर उन्हें विश करते हुए ऋतिक रोशन ने कहा कि वॉर 2 की भूमिका तुम्हारा इंतजार कर रही है, जिस पर जूनियर NTR ने रिएक्शन करते हुए सेट को जल्दी ज्वाइन करने की बात कही है। यह सुनने के बाद दोनों के फैन काफी खुश नजर आ रहे हैं।
फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार वॉर 2024 जनवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज हो सकती है। बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग इसी साल नवंबर में शुरू होगी। वहीं वॉर 2 में एनटीआर को पहले कभी नहीं देखे गए अवतार में देखा जाएगा। यह एक बड़ी एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी। चर्चा तो यह भी है कि फिल्म में ऋतिक और एनटीआर के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलने वाली है। बता दें कि दोनों सितारे पहली बार किसी फिल्म में एक साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को निर्देशक आर्यन मुखर्जी करने वाले हैं। वार निर्देशक सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म को रीड नहीं करेंगे। वही इन दिनों अपनी फिल्म फाइटर को ऋतिक रोशन पूरा कर चुके हैं। इसके साथ वह शाहरुख खान और सलमान खान की पठान वर्सेस टाइगर को पूरा करेंगे। वर्कफेयर की बात करें तो ऋतिक रोशन वॉर 2 के अलावा फाइटर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण नजर आएंगी। गौरतलब यह है कि वॉर 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ टाइगर श्रॉफ नजर आए थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वॉर 2 आने वाली है ऋतिक रोशन की, इसके बारे में जानकारी दूंगी इस वीडियो में। ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 इन दिनों सुर्खियों में है। यह फिल्म इसलिए ज्यादा खास है क्योंकि वॉर 2 के जरिए दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता जूनियर एनटीआर बॉलीवुड में अपना शुरुआत करने जा रहे हैं। इस दौरान ऋतिक और एनटीआर पहली बार बड़े पर्दे पर स्क्रीन साझा करते हुए नजर आने वाले हैं। इस बार फिल्म के निर्देशक की कमान आर्यन मुखर्जी को सौंपा गया है। वही अब वॉर 2 की रिलीज की तारीख से जुड़ी अहम जानकारी भी सामने आ गई है। अभी तक मेकर्स ने वॉर 2 का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर ने इस फिल्म को लेकर बड़ा इशारा दे चुके हैं। दोनों सितारों ने बीते दिन ट्विटर पर वॉर 2 के साथ काम करने का इशारा दिया था। इसके बाद इंडस्ट्री में तहलका मच गया था। जूनियर एनटीआर के जन्मदिन पर उन्हें विश करते हुए ऋतिक रोशन ने कहा कि वॉर 2 की भूमिका तुम्हारा इंतजार कर रही है, जिस पर जूनियर एनटीआर ने रिएक्शन करते हुए सेट को जल्दी ज्वाइन करने की बात कही है। यह सुनने के बाद दोनों के फैन काफी खुश नजर आ रहे हैं। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार वॉर 2024 जनवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज हो सकती है। बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग इसी साल नवंबर में शुरू होगी। वहीं वॉर 2 में एनटीआर को पहले कभी नहीं देखे गए अवतार में देखा जाएगा। यह एक बड़ी एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी। चर्चा तो यह भी है कि फिल्म में ऋतिक और एनटीआर के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलने वाली है। बता दें कि दोनों सितारे पहली बार किसी फिल्म में एक साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को निर्देशक आर्यन मुखर्जी करने वाले हैं। वॉर निर्देशक सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म को रीड नहीं करेंगे। वही इन दिनों अपनी फिल्म फाइटर को ऋतिक रोशन पूरा कर चुके हैं। इसके साथ वह शाहरुख खान और सलमान खान की पठान वर्सेस टाइगर को पूरा करेंगे। वर्कफेयर की बात करें तो ऋतिक रोशन वॉर 2 के अलावा फाइटर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण नजर आएंगी। गौरतलब यह है कि वॉर 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ टाइगर श्रॉफ नजर आए थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वॉर 2 आने वाली है ऋतिक रोशन की, इसके बारे में जानकारी दूंगी इस वीडियो में। ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 इन दिनों सुर्खियों में है। यह फिल्म इसलिए ज्यादा खास है क्योंकि वॉर 2 के जरिए दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता जूनियर एनटीआर बॉलीवुड में अपना शुरुआत करने जा रहे हैं। इस दौरान ऋतिक और एनटीआर
पहली बार बड़े पर्दे पर स्क्रीन साझा करते हुए नजर आने वाले हैं। इस बार फिल्म के निर्देशक की कमान आर्यन मुखर्जी को सौंपा गया है। वही अब वार 2 की रिलीज की तारीख से जुड़ी अहम जानकारी भी सामने आ गई है। अभी तक मेकर्स ने वार 2 का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऋतिक रोशन और जूनियर NTR ने इस फिल्म को लेकर बड़ा इशारा दे चुके हैं। दोनों सितारों ने बीते दिन ट्विटर पर वार 2 के साथ काम करने का इशारा दिया था। इसके बाद इंडस्ट्री में तहलका मच गया था। जूनियर NTR के जन्मदिन पर उन्हें विश करते हुए ऋतिक रोशन ने कहा कि वार 2 की भूमिका तुम्हारा इंतजार कर रही है, जिस पर जूनियर NTR ने रिएक्शन करते हुए सेट को जल्दी ज्वाइन करने की बात कही है। यह सुनने के बाद दोनों के फैन काफी खुश नजर आ रहे हैं। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार वार 2 24 जनवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज हो सकती है। बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग इसी साल नवंबर में शुरू होगी। वहीं वार 2 में NTR को पहले कभी नहीं देखे गए अवतार में देखा जाएगा। यह एक बड़ी एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी। चर्चा तो यह भी है कि फिल्म में ऋतिक और NTR के बीच जबरदस्त भिड़न देखने को मिलने वाली है। बता दें कि दोनों सितारे पहली बार किसी फिल्म में एक साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को निर्देशक आर्यन मुखर्जी करने वाले हैं। वार निर्देशक सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म को रीड नहीं करेंगे। वही इन दिनों अपनी फिल्म फाइटर को ऋतिक रोशन पूरा कर चुके हैं। इसके साथ वह शाहरुख खान और सलमान खान की पठान वर्सेस टाइगर को पूरा करेंगे। वर्कफेयर की बात करें तो ऋतिक रोशन वॉर 2 के अलावा फाइटर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण नजर आएंगी। गौरतलब यह है कि वॉर 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ टाइगर श्रॉफ नजर आए थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वॉर 2 आने वाली है ऋतिक रोशन की, इसके बारे में जानकारी दूंगी इस वीडियो में। ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 इन दिनों सुर्खियों में है। यह फिल्म इसलिए ज्यादा खास है क्योंकि वॉर 2 के जरिए दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता जूनियर NTR बॉलीवुड में अपना शुरुआत करने जा रहे हैं। इस दौरान ऋतिक और NTR पहली बार बड़े पर्दे पर स्क्रीन साझा करते हुए नजर आने वाले हैं। इस बार फिल्म के निर्देशक की कमान आर्यन मुखर्जी को सौंपा गया है। वही अब वार 2 की रिलीज की तारीख से जुड़ी अहम जानकारी भी सामने आ गई है। अभी तक मेकर्स ने वार 2 का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऋतिक रोशन और जूनियर NTR ने इस फिल्म को लेकर बड़ा इशारा दे चुके हैं। दोनों सितारों ने बीते दिन ट्विटर पर वॉर 2 के साथ काम करने का इशारा दिया था। इसके बाद इंडस्ट्री में तहलका मच गया था। जूनियर NTR के जन्मदिन पर उन्हें विश करते हुए ऋतिक रोशन ने कहा कि वॉर 2 की भूमिका तुम्हारा इंतजार कर रही है, जिस पर जूनियर NTR ने रिएक्शन करते हुए सेट को जल्दी ज्वाइन करने की बात कही है। यह सुनने के बाद दोनों के फैन काफी खुश नजर आ रहे हैं। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार वॉर 2 24 जनवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज हो सकती है। बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग इसी साल नवंबर में शुरू होगी। वहीं वॉर 2 में NTR को पहले कभी नहीं देखे गए अवतार में देखा जाएगा। यह एक बड़ी एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी। चर्चा तो यह भी है कि फिल्म में ऋतिक और NTR के बीच जबरदस्त भिड़न देखने को मिलने वाली है। बता दें कि दोनों सितारे पहली बार किसी फिल्म में एक साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को निर्देशक आर्यन मुखर्जी करने वाले हैं। वार निर्देशक सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म को रीड नहीं करेंगे। वही इन दिनों अपनी फिल्म फाइटर को ऋतिक रोशन पूरा कर चुके हैं। इसके साथ वह शाहरुख खान और सलमान खान की पठान वर्सेस टाइगर को पूरा करेंगे।
वर्कफेयर की बात करें तो ऋतिक रोशन वॉर 2 के अलावा फाइटर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण नजर आएंगी। गौरतलब यह है कि वॉर 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ टाइगर श्रॉफ नजर आए थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वॉर 2 आने वाली है ऋतिक रोशन की, इसके बारे में जानकारी दूंगी इस वीडियो में। ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 इन दिनों सुर्खियों में है। यह फिल्म इसलिए ज्यादा खास है क्योंकि वॉर 2 के जरिए दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता जूनियर NTR बॉलीवुड में अपना शुरुआत करने जा रहे हैं। इस दौरान ऋतिक और NTR पहली बार बड़े पर्दे पर स्क्रीन साझा करते हुए नजर आने वाले हैं। इस बार फिल्म के निर्देशक की कमाल आर्यन मुखर्जी को सौंपा गया है। वही अब वॉर 2 की रिलीज की तारीख से जुड़ी अहम जानकारी भी सामने आ गई है। अभी तक मेकर्स ने वॉर 2 का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऋतिक रोशन और जूनियर NTR ने इस फिल्म को लेकर बड़ा इशारा दे चुके हैं। दोनों सितारों ने बीते दिन ट्विटर पर वॉर 2 के साथ काम करने का इशारा दिया था। इसके बाद इंडस्ट्री में तहलका मच गया था। जूनियर NTR के जन्मदिन पर उन्हें विश करते हुए ऋतिक रोशन ने कहा कि वॉर 2 की भूमिका तुम्हारा इंतजार कर रही है, जिस पर जूनियर NTR ने रिएक्शन करते हुए सेट को जल्दी ज्वाइन करने की बात कही है। यह सुनने के बाद दोनों के फैन काफी खुश नजर आ रहे हैं। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार वॉर 2 24 जनवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज हो सकती है। बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग इसी साल नवंबर में शुरू होगी। वहीं वॉर 2 में NTR को पहले कभी नहीं देखे गए अवतार में देखा जाएगा। यह एक बड़ी एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी। चर्चा तो यह भी है कि फिल्म में ऋतिक और NTR के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलने वाली है। बता दें कि दोनों सितारे पहली बार किसी फिल्म में एक साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को निर्देशक आर्यन मुखर्जी करने वाले हैं। वार्ड निर्देशक सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म को रीड नहीं करेंगे। वही इन दिनों अपनी फिल्म फाइटर को ऋतिक रोशन पूरा कर चुके हैं। इसके साथ वह शाहरुख खान और सलमान खान की पठान वर्सेस टाइगर को पूरा करेंगे। वर्कफेयर की बात करें तो ऋतिक रोशन वॉर 2 के अलावा फाइटर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण नजर आएंगी। गौरतलब यह है कि वॉर 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ टाइगर श्रॉफ नजर आए थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वॉर 2 आने वाली है ऋतिक रोशन की, इसके बारे में जानकारी दूंगी इस वीडियो में। ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 इन दिनों सुर्खियों में है। यह फिल्म इसलिए ज्यादा खास है क्योंकि वॉर 2 के जरिए दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता जूनियर NTR बॉलीवुड में अपना शुरुआत करने जा रहे हैं। इस दौरान ऋतिक और NTR पहली बार बड़े पर्दे पर स्क्रीन साझा करते हुए नजर आने वाले हैं। इस बार फिल्म के निर्देशक की कमाल आर्यन मुखर्जी को सौंपा गया है। वही अब वॉर 2 की रिलीज की तारीख से जुड़ी अहम जानकारी भी सामने आ गई है। अभी तक मेकर्स ने वॉर 2 का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऋतिक रोशन और जूनियर NTR ने इस फिल्म को लेकर बड़ा इशारा दे चुके हैं। दोनों सितारों ने बीते दिन ट्विटर पर वॉर 2 के साथ काम करने का इशारा दिया था। इसके बाद इंडस्ट्री में तहलका मच गया था। जूनियर NTR के जन्मदिन पर उन्हें विश करते हुए ऋतिक रोशन ने कहा कि वॉर 2 की भूमिका तुम्हारा इंतजार कर रही है, जिस पर जूनियर NTR ने रिएक्शन करते हुए सेट को जल्दी ज्वाइन करने की बात कही है। यह सुनने के बाद
दोनों के फैन काफी खुश नजर आ रहे हैं। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार वह 24 जनवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज हो सकती है। बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग इसी साल नवंबर में शुरू होगी। वहीं वॉर 2 में एनटीआर को पहले कभी नहीं देखे गए अवतार में देखा जाएगा। यह एक बड़ी एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी। चर्चा तो यह भी है कि फिल्म में ऋतिक और एनटीआर के बीच जबरदस्त भिड़न देखने को मिलने वाली है। बता दें कि दोनों सितारे पहली बार किसी फिल्म में एक साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को निर्देशक आर्यन मुखर्जी करने वाले हैं। वार निर्देशक सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म को रीड नहीं करेंगे। वही इन दिनों अपनी फिल्म फाइटर को ऋतिक रोशन पूरा कर चुके हैं। इसके साथ वह शाहरुख खान और सलमान खान की पठान वर्सेस टाइगर को पूरा करेंगे। वर्कफेयर की बात करें तो ऋतिक रोशन वॉर 2 के अलावा फाइटर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण नजर आएंगी। गौरतलब यह है कि वॉर 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ टाइगर श्रॉफ नजर आए थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वॉर 2 आने वाली है ऋतिक रोशन की, इसके बारे में जानकारी दूंगी इस वीडियो में। ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 इन दिनों सुर्खियों में है। यह फिल्म इसलिए ज्यादा खास है क्योंकि वॉर 2 के जरिए दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता जूनियर एनटीआर बॉलीवुड में अपना शुरुआत करने जा रहे हैं। इस दौरान ऋतिक और एनटीआर पहली बार बड़े पर्दे पर स्क्रीन साझा करते हुए नजर आने वाले हैं। इस बार फिल्म के निर्देशक की कमान आर्यन मुखर्जी को सौंपा गया है। वही अब वॉर 2 की रिलीज की तारीख से जुड़ी अहम जानकारी भी सामने आ गई है। अभी तक मेकर्स ने वॉर 2 का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर ने इस फिल्म को लेकर बड़ा इशारा दे चुके हैं। दोनों सितारों ने बीते दिन ट्विटर पर वॉर 2 के साथ काम करने का इशारा दिया था। इसके बाद इंडस्ट्री में तहलका मच गया था। जूनियर एनटीआर के जन्मदिन पर उन्हें विश करते हुए ऋतिक रोशन ने कहा कि वॉर 2 की भूमिका तुम्हारा इंतजार कर रही है, जिस पर जूनियर एनटीआर ने रिएक्शन करते हुए सेट को जल्दी ज्वाइन करने की बात कही है। यह सुनने के बाद दोनों के फैन काफी खुश नजर आ रहे हैं। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार वॉर 2 24 जनवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज हो सकती है। बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग इसी साल नवंबर में शुरू होगी। वहीं वॉर 2 में एनटीआर को पहले कभी नहीं देखे गए अवतार में देखा जाएगा। यह एक बड़ी एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी। चर्चा तो यह भी है कि फिल्म में ऋतिक और एनटीआर के बीच जबरदस्त भिड़न देखने को मिलने वाली है। बता दें कि दोनों सितारे पहली बार किसी फिल्म में एक साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को निर्देशक आर्यन मुखर्जी करने वाले हैं। वार निर्देशक सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म को रीड नहीं करेंगे। वही इन दिनों अपनी फिल्म फाइटर को ऋतिक रोशन पूरा कर चुके हैं। इसके साथ वह शाहरुख खान और सलमान खान की पठान वर्सेस टाइगर को पूरा करेंगे। वर्कफेयर की बात करें तो ऋतिक रोशन वॉर 2 के अलावा फाइटर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण नजर आएंगी। गौरतलब यह है कि वॉर 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ टाइगर श्रॉफ नजर आए थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वॉर 2 आने वाली है ऋतिक रोशन की, इसके बारे में जानकारी दूंगी इस वीडियो में। ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 इन दिनों सुर्खियों में है। यह फिल्म इसलिए ज्यादा खास है क्योंकि वॉर 2 के जरिए दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता जूनियर एनटीआर बॉलीवुड में अपना शुरुआत करने जा रहे हैं। इस दौरान ऋतिक और एनटीआर
पहली बार बड़े पर्दे पर स्क्रीन साझा करते हुए नजर आने वाले हैं। इस बार फिल्म के निर्देशक की कमान आर्यन मुखर्जी को सौंपा गया है। वही अब वार 2 की रिलीज की तारीख से जुड़ी अहम जानकारी भी सामने आ गई है। अभी तक मेकर्स ने वार 2 का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऋतिक रोशन और जूनियर NTR ने इस फिल्म को लेकर बड़ा इशारा दे चुके हैं। दोनों सितारों ने बीते दिन ट्विटर पर वॉर 2 के साथ काम करने का इशारा दिया था। इसके बाद इंडस्ट्री में तहलका मच गया था। जूनियर NTR के जन्मदिन पर उन्हें विश करते हुए ऋतिक रोशन ने कहा कि वॉर 2 की भूमिका तुम्हारा इंतजार कर रही है, जिस पर जूनियर NTR ने रिएक्शन करते हुए सेट को जल्दी ज्वाइन करने की बात कही है। यह सुनने के बाद दोनों के फैन काफी खुश नजर आ रहे हैं। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार वॉर 2 24 जनवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज हो सकती है। बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग इसी साल नवंबर में शुरू होगी। वहीं वॉर 2 में NTR को पहले कभी नहीं देखे गए अवतार में देखा जाएगा। यह एक बड़ी एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी। चर्चा तो यह भी है कि फिल्म में ऋतिक और NTR के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलने वाली है। बता दें कि दोनों सितारे पहली बार किसी फिल्म में एक साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को निर्देशक आर्यन मुखर्जी करने वाले हैं। वार्ड निर्देशक सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म को रीड नहीं करेंगे। वही इन दिनों अपनी फिल्म फाइटर को ऋतिक रोशन पूरा कर चुके हैं। इसके साथ वह शाहरुख खान और सलमान खान की पठान वर्सेस टाइगर को पूरा करेंगे। वर्कफेयर की बात करें तो ऋतिक रोशन वॉर 2 के अलावा फाइटर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण नजर आएंगी। गौरतलब यह है कि वॉर 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ टाइगर श्रॉफ नजर आए थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वॉर 2 आने वाली है ऋतिक रोशन की, इसके बारे में जानकारी दूंगी इस वीडियो में। ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 इन दिनों सुर्खियों में है। यह फिल्म इसलिए ज्यादा खास है क्योंकि वॉर 2 के जरिए दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता जूनियर NTR बॉलीवुड में अपना शुरुआत करने जा रहे हैं। इस दौरान ऋतिक और NTR पहली बार बड़े पर्दे पर स्क्रीन साझा करते हुए नजर आने वाले हैं। इस बार फिल्म के निर्देशक की कमान आर्यन मुखर्जी को सौंपा गया है। वही अब वॉर 2 की रिलीज की तारीख से जुड़ी अहम जानकारी भी सामने आ गई है। अभी तक मेकर्स ने वॉर 2 का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऋतिक रोशन और जूनियर NTR ने इस फिल्म को लेकर बड़ा इशारा दे चुके हैं। दोनों सितारों ने बीते दिन ट्विटर पर वॉर 2 के साथ काम करने का इशारा दिया था। इसके बाद इंडस्ट्री में तहलका मच गया था। जूनियर NTR के जन्मदिन पर उन्हें विश करते हुए ऋतिक रोशन ने कहा कि वॉर 2 की भूमिका तुम्हारा इंतजार कर रही है, जिस पर जूनियर NTR ने रिएक्शन करते हुए सेट को जल्दी ज्वाइन करने की बात कही है। यह सुनने के बाद दोनों के फैन काफी खुश नजर आ रहे हैं। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार वॉर 2 24 जनवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज हो सकती है। बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग इसी साल नवंबर में शुरू होगी। वहीं वॉर 2 में NTR को पहले कभी नहीं देखे गए अवतार में देखा जाएगा। यह एक बड़ी एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी। चर्चा तो यह भी है कि फिल्म में ऋतिक और NTR के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलने वाली है। बता दें कि दोनों सितारे पहली बार किसी फिल्म में एक साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को निर्देशक आर्यन मुखर्जी करने वाले हैं। वार्ड निर्देशक सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म को रीड नहीं करेंगे। वही इन दिनों अपनी फिल्म फाइटर को ऋतिक रोशन पूरा कर चुके हैं। इसके साथ वह शाहरुख खान और सलमान खान की पठान वर्सेस टाइगर को पूरा करेंगे।
वर्कफेयर की बात करें तो ऋतिक रोशन वॉर 2 के अलावा फाइटर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण नजर आएंगी। गौरतलब यह है कि वॉर 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ टाइगर श्रॉफ नजर आए थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वॉर 2 आने वाली है ऋतिक रोशन की, इसके बारे में जानकारी दूंगी इस वीडियो में। ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 इन दिनों सुर्खियों में है। यह फिल्म इसलिए ज्यादा खास है क्योंकि वॉर 2 के जरिए दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता जूनियर NTR बॉलीवुड में अपना शुरुआत करने जा रहे हैं। इस दौरान ऋतिक और NTR पहली बार बड़े पर्दे पर स्क्रीन साझा करते हुए नजर आने वाले हैं। इस बार फिल्म के निर्देशक की कमान आर्यन मुखर्जी को सौंपा गया है। वही अब वॉर 2 की रिलीज की तारीख से जुड़ी अहम जानकारी भी सामने आ गई है। अभी तक मेकर्स ने वॉर 2 का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऋतिक रोशन और जूनियर NTR ने इस फिल्म को लेकर बड़ा इशारा दे चुके हैं। दोनों सितारों ने बीते दिन ट्विटर पर वॉर 2 के साथ काम करने का इशारा दिया था। इसके बाद इंडस्ट्री में तहलका मच गया था। जूनियर NTR के जन्मदिन पर उन्हें विश करते हुए ऋतिक रोशन ने कहा कि वॉर 2 की भूमिका तुम्हारा इंतजार कर रही है, जिस पर जूनियर NTR ने रिएक्शन करते हुए सेट को जल्दी ज्वाइन करने की बात कही है। यह सुनने के बाद दोनों के फैन काफी खुश नजर आ रहे हैं। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार वॉर 2 24 जनवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज हो सकती है। बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग इसी साल नवंबर में शुरू होगी। वहीं वॉर 2 में NTR को पहले कभी नहीं देखे गए अवतार में देखा जाएगा। यह एक बड़ी एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी। चर्चा तो यह भी है कि फिल्म में ऋतिक और NTR के बीच जबरदस्त भिड़न देखने को मिलने वाली है। बता दें कि दोनों सितारे पहली बार किसी फिल्म में एक साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को निर्देशक आर्यन मुखर्जी करने वाले हैं। वॉर निर्देशक सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म को रीड नहीं करेंगे। वही इन दिनों अपनी फिल्म फाइटर को ऋतिक रोशन पूरा कर चुके हैं। इसके साथ वह शाहरुख खान और सलमान खान की पठान वर्सेस टाइगर को पूरा करेंगे। वर्कफेयर की बात करें तो ऋतिक रोशन वॉर 2 के अलावा फाइटर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण नजर आएंगी। गौरतलब यह है कि वॉर 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ टाइगर श्रॉफ नजर आए थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वॉर 2 आने वाली है ऋतिक रोशन की, इसके बारे में जानकारी दूंगी इस वीडियो में। ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 इन दिनों सुर्खियों में है। यह फिल्म इसलिए ज्यादा खास है क्योंकि वॉर 2 के जरिए दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता जूनियर NTR बॉलीवुड में अपना शुरुआत करने जा रहे हैं। इस दौरान ऋतिक और NTR पहली बार बड़े पर्दे पर स्क्रीन साझा करते हुए नजर आने वाले हैं। इस बार फिल्म के निर्देशक की कमान आर्यन मुखर्जी को सौंपा गया है। वही अब वॉर 2 की रिलीज की तारीख से जुड़ी अहम जानकारी भी सामने आ गई है। अभी तक मेकर्स ने वॉर 2 का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऋतिक रोशन और जूनियर NTR ने इस फिल्म को लेकर बड़ा इशारा दे चुके हैं। दोनों सितारों ने बीते दिन ट्विटर पर वॉर 2 के साथ काम करने का इशारा दिया था। इसके बाद इंडस्ट्री में तहलका मच गया था। जूनियर NTR के जन्मदिन पर उन्हें विश करते हुए ऋतिक रोशन ने कहा कि वॉर 2 की भूमिका तुम्हारा इंतजार कर रही है, जिस पर जूनियर NTR ने रिएक्शन करते हुए सेट को जल्दी ज्वाइन करने की बात कही है। यह सुनने के बाद दोनों के फैन काफी खुश नजर आ रहे हैं। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार वॉर 2 24 जनवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज हो सकती है। बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग इसी साल नवंबर में शुरू होगी।
वही वार्ड 2 में एनटीआर को पहले कभी नहीं देखे गए अवतार में देखा जाएगा। यह एक बड़ी एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी। चर्चा तो यह भी है कि फिल्म में ऋतिक और एनटीआर के बीच जबरदस्त भिड़न देखने को मिलने वाली है। बता दें कि दोनों सितारे पहली बार किसी फिल्म में एक साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को निर्देशक आर्यन मुखर्जी करने वाले हैं। वार्ड निर्देशक सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म को रीड नहीं करेंगे। वही इन दिनों अपनी फिल्म फाइटर को ऋतिक रोशन पूरा कर चुके हैं। इसके साथ वह शाहरुख खान और सलमान खान की पठान वर्सेस टाइगर को पूरा करेंगे। वर्कफेयर की बात करें तो ऋतिक रोशन वॉर 2 के अलावा फाइटर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण नजर आएंगी। गौरतलब यह है कि वॉर 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ टाइगर श्रॉफ नजर आए थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वॉर 2 आने वाली है ऋतिक रोशन की, इसके बारे में जानकारी दूंगी इस वीडियो में। ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 इन दिनों सुर्खियों में है। यह फिल्म इसलिए ज्यादा खास है क्योंकि वॉर 2 के जरिए दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता जूनियर एनटीआर बॉलीवुड में अपना शुरुआत करने जा रहे हैं। इस दौरान ऋतिक और एनटीआर पहली बार बड़े पर्दे पर स्क्रीन साझा करते हुए नजर आने वाले हैं। इस बार फिल्म के निर्देशक की कमान आर्यन मुखर्जी को सौंपा गया है। वही अब वॉर 2 की रिलीज की तारीख से जुड़ी अहम जानकारी भी सामने आ गई है। अभी तक मेकर्स ने वॉर 2 का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर ने इस फिल्म को लेकर बड़ा इशारा दे चुके हैं। दोनों सितारों ने बीते दिन ट्विटर पर वॉर 2 के साथ काम करने का इशारा दिया था। इसके बाद इंडस्ट्री में तहलका मच गया था। जूनियर एनटीआर के जन्मदिन पर उन्हें विश करते हुए ऋतिक रोशन ने कहा कि वॉर 2 की भूमिका तुम्हारा इंतजार कर रही है, जिस पर जूनियर एनटीआर ने रिएक्शन करते हुए सेट को जल्दी ज्वाइन करने की बात कही है। यह सुनने के बाद दोनों के फैन काफी खुश नजर आ रहे हैं। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार वॉर 2 24 जनवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज हो सकती है। बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग इसी साल नवंबर में शुरू होगी। वही वॉर 2 में एनटीआर को पहले कभी नहीं देखे गए अवतार में देखा जाएगा। यह एक बड़ी एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी। चर्चा तो यह भी है कि फिल्म में ऋतिक और एनटीआर के बीच जबरदस्त भिड़न देखने को मिलने वाली है। बता दें कि दोनों सितारे पहली बार किसी फिल्म में एक साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को निर्देशक आर्यन मुखर्जी करने वाले हैं। वार्ड निर्देशक सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म को रीड नहीं करेंगे। वही इन दिनों अपनी फिल्म फाइटर को ऋतिक रोशन पूरा कर चुके हैं। इसके साथ वह शाहरुख खान और सलमान खान की पठान वर्सेस टाइगर को पूरा करेंगे। वर्कफेयर की बात करें तो ऋतिक रोशन वॉर 2 के अलावा फाइटर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण नजर आएंगी। गौरतलब यह है कि वॉर 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ टाइगर श्रॉफ नजर आए थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वॉर 2 आने वाली है ऋतिक रोशन की, इसके बारे में जानकारी दूंगी इस वीडियो में। ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 इन दिनों सुर्खियों में है। यह फिल्म इसलिए ज्यादा खास है क्योंकि वॉर 2 के जरिए दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता जूनियर एनटीआर बॉलीवुड में अपना शुरुआत करने जा रहे हैं। इस दौरान ऋतिक और एनटीआर पहली बार बड़े पर्दे पर स्क्रीन साझा करते हुए नजर आने वाले हैं। इस बार फिल्म के निर्देशक की कमान आर्यन मुखर्जी को सौंपा गया है। वही अब वॉर 2 की रिलीज की तारीख से जुड़ी अहम जानकारी भी सामने आ गई है। अभी तक मेकर्स ने वॉर 2 का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर ने इस फिल्म को लेकर बड़ा
इशारा दे चुके हैं। दोनों सितारों ने बीते दिन ट्विटर पर वॉर 2 के साथ काम करने का इशारा दिया था। इसके बाद इंडस्ट्री में तहलका मच गया था। जूनियर एनटीआर के जन्मदिन पर उन्हें विश करते हुए ऋतिक रोशन ने कहा कि वॉर 2 की भूमिका तुम्हारा इंतजार कर रही है, जिस पर जूनियर एनटीआर ने रिएक्शन करते हुए सेट को जल्दी ज्वाइन करने की बात कही है। यह सुनने के बाद दोनों के फैन काफी खुश नजर आ रहे हैं। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार वॉर 2 24 जनवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज हो सकती है। बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग इसी साल नवंबर में शुरू होगी। वहीं वॉर 2 में एनटीआर को पहले कभी नहीं देखे गए अवतार में देखा जाएगा। यह एक बड़ी एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी। चर्चा तो यह भी है कि फिल्म में ऋतिक और एनटीआर के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलने वाली है। बता दें कि दोनों सितारे पहली बार किसी फिल्म में एक साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को निर्देशक आर्यन मुखर्जी करने वाले हैं। वॉर निर्देशक सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म को रीड नहीं करेंगे। वही इन दिनों अपनी फिल्म फाइटर को ऋतिक रोशन पूरा कर चुके हैं। इसके साथ वह शाहरुख खान और सलमान खान की पठान वर्सेस टाइगर को पूरा करेंगे। वर्कफेयर की बात करें तो ऋतिक रोशन वॉर 2 के अलावा फाइटर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण नजर आएंगी। गौरतलब यह है कि वॉर 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ टाइगर श्रॉफ नजर आए थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम वॉर 2 आने वाली है ऋतिक रोशन की, इसके बारे में जानकारी दूंगी इस वीडियो में। ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 इन दिनों सुर्खियों में है। यह फिल्म इसलिए ज्यादा खास है क्योंकि वॉर 2 के जरिए दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता जूनियर एनटीआर बॉलीवुड में अपना शुरुआत करने जा रहे हैं। इस दौरान ऋतिक और एनटीआर पहली बार बड़े पर्दे पर स्क्रीन साझा करते हुए नजर आने वाले हैं। इस बार फिल्म के निर्देशक की कमान आर्यन मुखर्जी को सौंपा गया है। वही अब वॉर 2 की रिलीज की तारीख से जुड़ी अहम जानकारी भी सामने आ गई है। अभी तक मेकर्स ने वॉर 2 का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर ने इस फिल्म को लेकर बड़ा इशारा दे चुके हैं। दोनों सितारों ने बीते दिन ट्विटर पर वॉर 2 के साथ काम करने का इशारा दिया था। इसके बाद इंडस्ट्री में तहलका मच गया था। जूनियर एनटीआर के जन्मदिन पर उन्हें विश करते हुए ऋतिक रोशन ने कहा कि वॉर 2 की भूमिका तुम्हारा इंतजार कर रही है, जिस पर जूनियर एनटीआर ने रिएक्शन करते हुए सेट को जल्दी ज्वाइन करने की बात कही है। यह सुनने के बाद दोनों के फैन काफी खुश नजर आ रहे हैं। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार वॉर 2 24 जनवरी 2025 को सिनेमा घर में रिलीज हो सकती है। बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग इसी साल नवंबर में शुरू होगी। वहीं वॉर 2 में एनटीआर को पहले कभी नहीं देखे गए अवतार में देखा जाएगा। यह एक बड़ी एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी। चर्चा तो यह भी है कि फिल्म में ऋतिक और एनटीआर के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलने वाली है। बता दें कि दोनों सितारे पहली बार किसी फिल्म में एक साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को निर्देशक आर्यन मुखर्जी करने वाले हैं। वॉर निर्देशक सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म को रीड नहीं करेंगे। वही इन दिनों अपनी फिल्म फाइटर को ऋतिक रोशन पूरा कर चुके हैं। इसके साथ वह शाहरुख खान और सलमान खान की पठान वर्सेस टाइगर को पूरा करेंगे। वर्कफेयर की बात करें तो ऋतिक रोशन वॉर 2 के अलावा फाइटर में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण नजर आएंगी। गौरतलब यह है कि वॉर 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ टाइगर श्रॉफ नजर आए थे।